Hello friends. From the very childhood, we have been associated with lot of Gita Pravachan, Ramayan, and spiritually we are very connected. I like to listen to discourses also. And from all these things, we have gained a little knowledge and information about various things around us. So this is a small attempt to just share with everyone whatever I know or whatever I've learned in my life till now. So I hope you will all enjoy the sharing. Thank you. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। महाराष्ट्र में इस दिन को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं। वर्ष के 3.5 मुहूर्तों में से ये एक गिना जाता है, गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया और दशहरा। ये 3.5 मुहूर्त है साल के जिस दिन हमको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी दिनों में अगर हमें पूजा करनी है या कुछ अच्छा काम करना है तो हमेशा हम मुहूर्त देखते हैं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है, किस टाइम पे करेंगे तो अच्छा होता है। लेकिन ये 3 दिन होते हैं 3.5 दिन साल के, तो इस दिन हमें मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पूरा दिन इतना शुभ और अच्छा होता है। और क्यों होता है ये, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न भी है। क्योंकि जो सन होता है, सूर्य, वो वसंत के उसमें जाता है और उसका स्थान एक अबाव हो जाता है, ऊपर हो जाता है। और इस दिन जो तेज प्रजापति है, द फ्रीक्वेंसीज जो उसकी होती है वो बहुत लार्ज होती है, तो हमारे बॉडी के लिए भी वो बहुत अच्छी होती है और उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इट बिल्ड्स आवर इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसीलिए हमने देखा होगा कि हम गुड़ी भी जब लगाते हैं या सुबह गुड़ी पड़वा की पूजा भी जो करते हैं हम लोग, तो वो सनराइज़ के इमीजिएटली 5 to 10 मिनट्स में ही कर लेते हैं, क्योंकि जो सन के रेज है या जो उसके बेनिफिट्स हैं वो हमको उसी दौरान मिलते हैं। तो इस दिन स्पेशली ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस दिन उन्होंने क्रिएट किया था यूनिवर्स, ही क्रिएटेड द यूनिवर्स ऑन दिस डे। और इस युग, इस दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ था, सतयुग शुरू हुआ। तो पहले ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं इस दिन, और फिर गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्रंस है वो गुड़ी लगाते हैं घरों के बाहर। गुड़ी को भी हम घर के मेन एंट्रेंस के राइट साइड में लगाते हैं, बिकॉज दैट इंश्योर्स प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग इन योर हाउस। और जब ये पूजा होती है तो फिर विष्णु जी की पूजा की जाती है। और माना जाता है कि विष्णु जी जो है ही इज़ द मैं मतलब वो हमें घर में सुख सुविधा और वो सब प्रदान करते हैं। तो अलग अलग जगह में ये त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में हमने देखा होगा कि ये त्यौहार घर के बाहर घर के बाहर का जो आंगन है उसको साफ किया जाता है, वहाँ पे रंगोली बनाई जाती है और एक सिल्क, येलो कलर का सिल्क का क्लॉथ लेते हैं, उसके ऊपर जो कलश होता है वो लगाते हैं, लाल फूलों से सजाते हैं और उसको घर के बाहर लगाते हैं। तो फॉर महाराष्ट्रियंस रेड एंड येलो कलर, जैसे हल्दी कुमकुम भी हम लोग करते हैं, इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस। इट सिंबलाइजेज फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद घर में जो मिठाई बनाते हैं अलग अलग तरह की, कोई पूरन पूरी बनाता है, कोई श्रीखंड पूरी बनाता है, तो ये जो भी प्रसाद होता है वो मंदिर में रखते हैं। एक और भी प्रथा बहुत प्रचलित है विच इज़ वेरी फेमस, कि सुबह उठ के नीम का पेस्ट होता है जो सब लोग वो खाते हैं। तो नीम हम देखें तो उसका स्वाद कड़वा होता है, इट्स बिटर इन टेस्ट, लेकिन हमें पता है कि हमारे शरीर के लिए वो बहुत अच्छा है, हमें उससे बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। और गुड़ी पड़वा के दिन अगर कोई आप प्राचीन या ऐसे मंदिर में भी जाओगे तो उस दिन मंदिर में भी हमको नीम और शक्कर या गुड़ का प्रसाद मिलता है।
तो ये जो प्रथा बनाई गई है या ये जो प्रसाद में नीम और शक्कर या नीम और गुड़ देने की जो रिवाज है उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। एक तो हमें जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन एक मैसेज भी देता है हमें लाइफ में कि लाइफ में हमेशा अच्छा, इट्स नॉट ऑलवेज स्वीट थिंग्स, लाइफ में कड़वी चीज़ें भी आती हैं और हमें उसे भी उतनी ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज हमें लगता है कि कड़वा है, टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आगे जाके वही हमारे शरीर को फायदा देता है। उसी तरह से हमारे जीवन में कई चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं है, आज हमें ऐसे लगता है कि अरे क्यों हुआ ऐसे, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे जाके वही चीज़ें करने पे हमें उससे बहुत ही फायदा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे त्यौहार हमें समझाते हैं और सिखाते हैं। और बहुत सारी कहानी प्रचलित है कि गुड़ी पड़वा क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि श्री राम 14 साल के वनवास के बाद रावण को पराजय करके अयोध्या में वापस आए थे। तो वो जीत की खुशी में लोगों ने वहाँ पे ध्वज लहराए थे और उनका स्वागत किया था। दूसरी स्टोरी रामायण से ही कनेक्टेड है कि दक्षिण भारत में राम ने वाली को मार के वहाँ के जो प्रजा थी उनको उनसे कष्टों से मुक्ति दिलाई थी। तो जो पीड़ित और जो लोग थे जिन्होंने उनका मतलब कहते हैं ना कि त्रासित थे, तो उनको मुक्ति मिली थी वाली के त्रास से और इतने खुश हुए थे कि उन्होंने घर घर में गुड़िया लहराई। गुड़िया का एक्चुअल मतलब है ध्वज, फ्लैग, उसको वहाँ की भाषा में गुड़िया कहते थे। उसी के ऊपर से ये गुड़ी पड़वा नाम पड़ा। तो और एक कहानी है कि शालकास ने हंस को डिफीट किया था। एक राजा था शालीवाहन करके, बहुत ही रूपक स्टोरी है कि उसने मिट्टी के सोल्जर्स बनाए, ही क्रिएटेड अ आर्मी, और वो मिट्टी के उस सैनिकों में उसने प्राण डाल के फिर उस सेना से उसने विजय प्राप्त की। अभी आज अगर हम बच्चों को कहें ऐसे है तो इट साउंड्स लाइक अ फेरी टेल, कोई मानेगा नहीं कि मिट्टी के उसमें ऐसे पानी डाल के वो सेना खड़ी हुई थी और वो सेना की मदद से उसने पूरा जंग जीत ली थी। लेकिन इट इज़ अ स्टोरी जिससे हमें ये मैसेज मिलता है एक्चुअली उसने क्या किया था कि वहाँ के जो लोग थे वो दीनहीन लाचार हो गए थे, उन्होंने बिल्कुल ऐसे जो भी अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। तो ऐसे दीनहीन लाचार दुखी लोगों के अंदर उसने प्राण डाला, जीवन डाला, ही मोटिवेटेड देम, ही पुट लाइफ इन टू दोज पीपल हु वर जस्ट लाइक डेड बॉडीज। तो ऐसे करके उन्होंने जो एक सेना खड़ी की है तो उन्होंने उस सेना के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन में भी अगर दुख आता है लेकिन हमें उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जो शक्तियाँ भगवान ने दी है उसे यूज़ करके हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। हनुमान जी का उदाहरण ले, उनके अंदर इतनी शक्तियाँ थी लेकिन उसको जगाने वाला कोई चाहिए था। अर्जुन बहुत ही वीर थे, उन्होंने बहुत पराक्रम था, हुनर भी था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन युद्ध के बीच में जाके के वो भी बैठ गए थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तभी उनको भी श्री कृष्ण की ज़रूरत पड़ी थी। तो हम सबके अंदर शक्ति है, हम सबके अंदर प्राण है, सिर्फ उसे जगाने की ज़रूरत है। तो ये उत्सव मनाना या ये स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है। और मलबा लेक जो हमारे देश का पार्ट है केरला में, तो वहाँ पे भी इस त्यौहार को बहुत ही विशिष्ट ढंग से मनाया जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे घर की जो भी सुख समृद्धि या धन है वो सारा मंदिर के आगे रख देते हैं रात को अच्छे से सजा के, और सुबह सब लोग आँख बंद करते, मतलब नहा धो के सब लोग आँख बंद करके पूजा गृह में आते हैं।
और सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं, और जो घर का बड़ा होता है वो आरती उतारता है, और जो भी धन संपत्ति भगवान के सामने रखा है वो उनको, ये सब करने के पीछे उनका भाव क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। हमने देखा है हमारे संस्कृति में भी कि सुबह उठते ही हम क्या बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी करम मूल्य सरस्वती, हमारे संस्कारों में ही है कि सुबह उठ के हमें हाथों के दर्शन करने हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे हाथों में ही भगवान है। तो जब हम दिन का शुरुआत भगवान के नाम से या हाथों को देख के करते हैं तो वर्ष की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, हमारी वर्ष की शुरुआत भी हमें भगवान के दर्शन करके करनी चाहिए। और जो भी धन वैभव जो भी गहने हैं सोना है ये सब हमने हमको किसने दिया है, अगर हम जो भी हमारे पास है उसको भगवान का प्रसाद मानेंगे तो एक तो है कि हमें अहंकार कभी नहीं आएगा और वो हम एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो ये त्यौहार को मनाने, इस तरह से मनाने के पीछे का भाव ये है। तो हमें एक्चुअली हम त्यौहार सभी मनाते हैं लेकिन उसके पीछे जो मीनिंग है या जो हमारा ट्रेडिशन है वो हम भूलते जाते हैं, तो इसीलिए वो त्यौहार का महत्व कम हो जाता है, खाली क्रियाकांड हम कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे का भाव नहीं समझते। तो आज ये आपके साथ शेयर करने के पीछे यही वजह है कि हम जो उत्सव है उसका सही मतलब समझें और उसको सही तरीके से मनाएं। तो आशा करती हूँ कि दिस गुड़ी पड़वा इज़ अ गोल्डन ईयर फॉर एवरीवन एंड सबके लिए ये साल बहुत ही शुभ।